हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होगे। तो गाइस, अभी आप लोगों ने जिस वीडियो को प्रीव्यू पे देखा है, आप लोगों ने कुछ इस टाइप की वीडियो अपने इंस्टाग्राम के अंदर तो देखा ही होगा। इस टाइप की गाइस जो वीडियो है अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो अगर आप लोग इस टाइप की सेम वीडियो बनाओगे तो आप लोगों की भी वीडियो वायरल हो सकती है। तो आप लोगों को गाइस इस वीडियो को किस तरीके से बनाना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सेम तरीके से बताऊँगा कि किस तरीके से इस वीडियो को बना सकते हो। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। एंड गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लेके आते रहते हैं हम इस चैनल पर। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो इस वीडियो को एडिट करने के लिए सिंपली से हम अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। कैपकट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद गाइस सिंपली से आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही गाइस आप लोग न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे फोटोज वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे, आपके गैलरी में जितनी भी आप सभी की फोटोज हैं वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को टोटल अपना 6 फोटो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो एडिटिंग होने वाला है वो हम 6 फोटो के साथ ही करेंगे, ठीक है? तो ओनली आपको 6 फोटो अपने सेलेक्ट कर लेने होंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैं आप लोगों को एग्जांपल बताने के लिए यहाँ पर तौकीर भाई की जो फोटो है उसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग गाइज अपने फोटो को यूज करना, ठीक है? तो अभी गाइज जब भी आप लोग कुछ इस तरीके से अपने फोटो को ऐड करोगे तो आप लोगों की जो इधर की फोटो होगी ना वो फुल स्क्रीन पे नहीं होगी। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से गाइज पकड़ के हमें फुल स्क्रीन पे अपने सारे फोटोज को डालते जाना है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आप लोग भी अपने सारे फोटोज को फुल स्क्रीन पे डाल देना कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। और लास्ट में जो हमारा कैपकट की तरफ से वाटरमार्क दे देता है, इसे हम डिलीट कर देंगे। तो अब गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमारे फोटोज हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है? अभी गाइज आप लोगों को क्या करना है कि जो फर्स्ट वाला फोटो है इस पर क्लिक करना है, और इसको गाइज आप लोगों को कुछ इस तरीके से गाइज 11 सेकेंड तक इसकी जो लेंथ है उसको रखना है, ठीक है? तो ये मेरा हो गया 9 सेकंड एंड ये हो गया 11 सेकंड, ठीक है? तो आप लोग भी फर्स्ट फोटो को 11 सेकंड तक रख लेना, और जो अब हमारा ये जो सेकंड फोटो है इसको गाइज आप लोग कुछ इस तरीके से पकड़ना, और इसको 0.9 सेकंड आप लोगों को रखना है, ठीक है? कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से गाइज आप लोगों को अपने सारे फोटोज़ को 0.9 सेकंड रख देना है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कितने कितने सेकंड पे रख रहा हूँ, ठीक है? अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं 0.9 सेकंड इसको भी रखूँगा। तो गाइज जो भी फोटो को आप लोग इस तरीके से करो तो यार उसको परफेक्ट टाइमलाइन देना, बिकॉज अगर आप लोगों का अगर टाइमलाइन आगे पीछे हुआ तो आप लोगों की जो एडिटिंग है वो अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इन 4-5 फोटो को जो है इसको 0.9 सेकंड कर दिया है, और फर्स्ट वाला जो फोटो है इसको 11 सेकंड कर दिया है। अभी गाइज आता है हमारा म्यूजिक ऐड करने का बारी। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने म्यूजिक को ऐड करेंगे। इसके लिए हम ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे साउंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही गाइज आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फाइल वाला आइकन दिखेगा, और यहां पर जो मेरा म्यूजिक है इसमें प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसको मैं ऐड कर लूंगा यहां पे, ठीक है? और ये म्यूजिक गाइस मैं आप लोगों को दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग जाके टेलीग्राम से इस म्यूजिक को जाके डाउनलोड कर सकते हो, और आप लोग अपनी वीडियो के अंदर बिंदास यूज कर सकते हो, ठीक है? तो यहां पर देख सकते हो जैसे कि हमारा साउंड भी आ चुका है। अभी गाइस मैं क्या करूंगा, इस साउंड को ना मैं म्यूट कर दूंगा, बिकॉज अगर अभी मैं एडिटिंग करूंगा तो ये साउंड आप लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा भी, ठीक है? तो लास्ट में मैं प्ले करके दिखाऊंगा आप लोगों को बाकी वीडियो। अभी गाइस हम क्या करेंगे, अपने फोटो के अंदर एनिमेशन ऐड करेंगे। तो जो अभी जो प्रीव्यू पे आप लोगों ने वीडियो देखा था, जो हमारी फोटो कटी कटी अलग अलग आती है, तो वो वाला भी हम एनिमेशन इसमें ऐड करेंगे। इसके लिए हमें फर्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करना होगा, एंड यहाँ पे एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, एंड यहाँ पे कॉम्बो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा आप लोगों को। एंड यहाँ पर जैसे ही कॉम्बो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आप लोगों को इंस्टॉल करते जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर गाइज आप लोग VPN अगर कनेक्ट करे रहोगे तो आप लोगों के सामने ही दिख जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर BSEC2 करके है, ठीक है? यहाँ पर जो एनिमेशन है इसको कुछ इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपके फोटो पे ये वाला एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं। अब गाइज अभी जो हमारे और भी फोटो हैं लास्ट वाले, ठीक है, जो छोटे हैं, छोटे छोटे हमने उसमें टाइमलाइन
डिजाइन में सेट किया है उसमें अभी हम एनिमेशन डालना है, तो उसमें हम अलग एनिमेशन डालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों फिंगर से कुछ इस तरीके से अपने लेयर्स को जूम कर लेना। एंड अभी गाइज आप लोगों को क्या करना होगा, अपने सेकंड वाले फोटो पे क्लिक करना, देन यहाँ पे फिर से एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाना एंड यहाँ पे कॉम्बो पे चले जाना। और यहाँ पर गाइज पेंडुलम वन का एक आप लोगों को एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, इसको कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना। और यहाँ पर जो भी एनिमेशन अप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो उसको सारे फोटोज पे करना एक ही एनिमेशन को, ठीक है, अलग अलग मत करना, नहीं तो आप लोगों की जो एडिटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगी, ठीक है। तो जो भी यहाँ से अप्लाई करो आप लोगों को वही वाला सारे फोटोज में करना है। जैसे यहाँ पे पेंडुलम वन का कर रहा हूँ, तो पेंडुलम वन आप लोगों को भी करना है और यही वाला करना है क्योंकि ट्रेंड अभी इसी का है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमने सारे फोटोज में अच्छी तरीके से पेंडुलम वन वाला जो यहाँ पे एनिमेशन है उसको ऐड कर दिया है, ठीक है। अभी गाइस क्या करना है कि आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा हमारा कुछ इस तरीके से जब फोटो नीचे आता है तो थोड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है, फ्लैश इफेक्ट, ठीक है। उसको किस तरीके से डालना है, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। एंड जैसे ही क्लिक करोगे गाइज आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे आना, स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे ही स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सॉरी पार्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। एंड जैसे ही पार्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे ब्लैक फ्लैश नाम का एक यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, इसको कुछ इस तरीके से क्लिक करना और यहाँ से इसको डन कर देना, ठीक है। डन करने के बाद गाइज इसकी जो लेंथ है आप लोगों को अपने वीडियो फर्स्ट वाले जो फोटो की जहाँ तक लेंथ है ना वहाँ तक रखना कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना करने के बाद अब कुछ इस तरीके से जो अब हमारा फोटो आता है तो आप लोगों ने देखा होगा एक स्पार्क इफेक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से ऐड करना है, उसको ऐड करने के लिए कुछ इस तरीके से सेकंड वाले फोटो के पास आना, इफेक्ट पे जाना, सॉरी वीडियो इफेक्ट पे जाना, ठीक है। एंड इधर की तरफ आओगे कुछ इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो स्पार्क का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना आप लोग। एंड जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा नहीं 5-6 यहाँ पे स्पार्क इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एक ये वाला है हमारा, ठीक है। इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वाला करना। तो इसको मैं जैसे ही अप्लाई करूँगा फोटो पे, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही गजब का लग रहा है अभी हमारा जो वीडियो है, ठीक है। अभी क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से इसको डन करना है। और डन करने के बाद गाइस जो इसका जो लेंथ है ना, इसको कुछ इस तरीके से छोटा करना और जहाँ तक आप लोगों का सेकंड फोटो है ना वहाँ तक कुछ इस तरीके से सेट कर देना, ठीक है। अभी गाइस आप लोगों को क्या करना है कि इस वाले लेयर पे क्लिक करना है अपने इफेक्ट वाले, एंड यहाँ पे जो कॉपी का ऑप्शन देख रहा है ना इस पर क्लिक कर देना, देन फिर से कॉपी कर देना, फिर से कॉपी कर देना, एंड मतलब जितना फोटो है आप लोगों को उतने बार कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी जो हमारी गाइस जो वीडियो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। सो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस आप लोगों को एक बार वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही तगड़ी बन के यहाँ पर रेडी हो चुकी है। आई नो आप लोगों को म्यूजिक सुनाई नहीं देता होगा यार, बिकॉज कॉपीराइट आ सकता है मेरे इस वीडियो पे, तो इसलिए मैंने साउंड जो है मैं म्यूट कर दिया हूँ। बाकी यहाँ पे आप लोग वीडियो देखो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बन गई है, जैसा आप लोगों ने प्रीव्यू पे देखा था सेम उसी तरीके से यहाँ पर वीडियो जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब गाइज मान लो इस वीडियो को सेव करना है, तो सिंपल से इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और ये वीडियो गाइज आपके गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी ऐसी कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।